दोस्तों ब्रह्मास्त्र में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी और इसके बारे में कई सारी फैन थ्योरीज बनी थी। जैसे कि कोई कह रहा था कि इस फिल्म के अंदर देव नहीं बल्कि गुरुजी विलन हैं, और बहुत सारे लोग यह भी कह रहे थे कि जुनून और शिवा दोनों भाई बहन हैं और शिवा को उसकी माँ अमृता ले आई और जुनून को उसके पिता देव ने ही अपने पास रख लिया और इसीलिए जुनून देव के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने आई थी। और कोई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर गुरुजी ईशा के पिता हैं और गुरुजी और ईशा दोनों ही विलन हैं और गुरुजी ने ही ईशा को शिवा के पास भेजा है, इसीलिए तो वह शिवा से इतनी ज्यादा प्यार करने लगी थी। यह सब ईशा और गुरुजी का प्लान है। तो यह तो बात हो गई फैन थ्योरीज की, पर अब हम बात करें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव के बारे में और साथ ही में जाने की क्या मोहन भार्गव यानी कि SRK हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो जैसे कि आपको बताई होगा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के अंदर हमें देव के बारे में बताया जाएगा कि आखिर देव और अमृता कैसे मिले, उन दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ, फिर कैसे देव बहुत सारे अस्त्रों का मालिक बना और कैसे अमृता ने उसे रोका और समुद्र उसे निगल गया और कैसे अमृता शिवा को बचाकर अपने साथ ले आई और आखिर देव कितना शक्तिशाली है, उसके अंदर कौन कौन से अस्त्रों के पावर हैं, यही सब हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शिवा के 30 साल पहले की कहानी है। और अगर हम शाहरुख खान के कैरेक्टर मोहन की बात करें तो वह हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि मोहन ने एक डायलॉग बोला था कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मतलब कि उनकी उम्र कम से कम इस फिल्म के अंदर 50 से 55 साल की होगी, और अगर वह 55 साल के भी है तो इस फिल्म के अंदर हमें 30 साल पहले की कहानी बताई जाएगी, मतलब कि उस वक्त मोहन 25 साल के थे, वह अभी मर चुके हैं पर पास्ट के रूप में हमें दिखाए जाएंगे। और आखिर मोहन कौन है, क्या वह देव के दोस्त थे और उन्हें यह वानर अस्त्र कैसे हासिल हुआ, यह सब कुछ हमें दिखाया जाएगा। और हमें वानर अस्त्र के ऊपर एक फिल्म भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि SRK की एंट्री जैसे ही इस फिल्म के अंदर आती है वैसे ही थिएटर में लोग बहुत ज़्यादा तालियां बजाने लगे थे। तो अगर आयान मुखर्जी का अस्त्रवर्ष यूनिवर्स बहुत ज़्यादा चला तो वह इनके अस्त्रों के बारे में भी फिल्म बनाएंगे, और वानर अस्त्र के ऊपर तो फिल्म बनना कंपलसरी है। तो अब हमें कमेंट में बताइए कि आपके ब्रह्मास्त्र को लेकर क्या थ्योरी है और क्या आप SRK को पार्ट टू के अंदर देखना चाहते हैं या फिर नहीं,